हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में संतरे की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। इस क्रीम को विटामिन सी क्रीम भी कहते हैं, क्योंकि संतरे के अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन बनाता है। इस क्रीम से हमारी स्किन टाइटन और ब्राइटन होगी। उसके साथ साथ हमारी स्किन पर जो भी रिंकल्स, फाइन लाइंस या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग हो जाएगी। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए संतरे का रस, और संतरे का रस बनाने के लिए हमें एक संतरा चाहिए और उसको अब हम छील लेंगे। और संतरे को छीलने के बाद अब हमें उसका छिलका उतारना है और उसके अंदर जो भी बीज है वो निकाल देने हैं, और सिर्फ संतरे का पल्प ही हमें रखना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप जूसर में भी संतरे का जूस निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और संतरे को अच्छे से छीलने के बाद और उसके बीज निकालने के बाद संतरे के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, और अब हमें इन पीसेस को ब्लेंडिंग या ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीसना है। और अच्छे से पीसने के बाद आपका ऑरेंज पल्प रेडी है, और अब हमें इस पल्प को छानना है। और यहाँ पर मैं छन्नी की मदद से इसको छान रही हूँ, और अगर आपको छन्नी यूज़ नहीं करनी है तो आप किसी कॉटन के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। और अच्छे से छानने के बाद आपका ऑरेंज जूस रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप नॉर्मली जूसर में भी ऑरेंज का जूस या संतरे का जूस निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि संतरे की क्रीम कैसे बनाई जाए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 1.5 चम्मच संतरे का जूस ले लीजिए। उसके बाद आपको ग्लिसरिन चाहिए, और यहाँ पर मैं 1 चम्मच ग्लिसरिन इस ऑरेंज जूस के अंदर डाल रही हूँ। फिर हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बस आपको 1 चम्मच ऑलिव ऑयल इसके अंदर डालना है। और अब आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं। और लास्ट में हमें एलोवेरा जेल चाहिए, और यहाँ पर आप 2 से 2.5 चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर डालिए और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए, ताकि आपको एक बहुत ही क्रीमी और लम्ब फ्री क्रीम मिले। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपके संतरे की क्रीम रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये संतरे क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, और ये क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफी, क्रीमी और स्मूथ होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑरेंज क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। और इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आपको बस ज़रा सी ये क्रीम लेनी है और अपने फेस और नेक पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है, और 30 से 40 मिनट के लिए इस क्रीम को अच्छे से अपनी स्किन पर मसाज कीजिए, ताकि ये क्रीम आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। और इसको अच्छे से लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको इसको दिन में 2 बार यूज करना होगा, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।